नमस्ते। चलिए श्लोक सुनाएंगे। माता शत्रु पिता वैरी दोनों। माता शत्रु पिता वैरी न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। वह बताओ उनका। माता शत्रु और पिता वैरी है जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, जैसे हंसों की सभा में बगुला शोभा नहीं देता, वैसे ही विद्वानों की सभा में बच्चे शोभा नहीं देते। ये श्लोक कहा इन्होंने, माता शत्रु पिता वैरी, जो बच्चे अपने बच्चों को माता पिता संस्कारवान नहीं बनाते, उनके बच्चे ऐसे शोभा नहीं देते जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता। विद्वानों के बीच में उनके बच्चे ऐसे शोभा नहीं देते, इसलिए बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहिए। एक श्लोक और सुमे सुना रही है, सुनाओ। विद्या विलास मनसो। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्य व्रता रहित मान मला भारा संसार दुख दलने सुभूषिताये धन्य नरा ये सत्यार्थ प्रकाश का समुल्लास दूसरा, उसमें श्लोक दिया ऋषि दयानंद ने कहा कि जिन बच्चों का मन विद्या के विलास में रहता है, जो विद्या के विलास में रहते हैं, जिनका विलास शीशे के सामने खड़े होकर के मांग काढ़ने में नहीं रहता, जिन जिन बच्चों का मन जो है अपने अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना की चाहने की इच्छा नहीं होती, ऐसे बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, उनका जीवन अच्छा होता है, गुणवान बनते हैं। इसलिए बच्चों का जो विलास है वो विद्या में होना चाहिए। बच्चों की जो विलासता है वो किस में होनी चाहिए? विद्या में होनी चाहिए। इस श्लोक का ये भाव है। थैंक यू। धन्यवाद सूर्यदेव जी। और बच्चों ने बहुत अच्छे श्लोक सुनाए दोनों ने, और धीरे धीरे ये जो है अपने कभी गीत भी सुनेंगे इनसे, धीरे धीरे गीत भी सुनाएंगे। जी तो जब ठीक बहुत, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। है। धन्यवाद। धन्यवाद। हरिया।